नमस्कार दोस्तों, वेलकम है यूट्यूब चैनल आर्थिक सेंटर में आपका स्वागत है फ्रेंड। और आज वीडियो में फ्रेंड मैं ये बताने वाला हूँ यानी कि क्लच प्लेट जो खराब होती है, क्लच प्लेट खराब क्यों होती है और क्लच प्लेट खराब है हम कैसे पता कर सकते हैं क्लच प्लेट खराब है। ठीक है फ्रेंड, देखो ऐसा होता है कि यानी कि हम किसी भी भाई यानी किसी मैकेनिक भाई के अगर पास जाते हैं हम सर्विस कराने को और मैकेनिक भाई टेस्ट ड्राइव करते हैं और वो कहते हैं कि भाई आपकी बाइक की टाइमिंग चेन खराब है, आपकी बाइक की क्लच पैड खराब है और आपकी बाइक की सर्विसिंग होनी है। ठीक फ्रेंड, और कस्टमर भाई कहते हैं भाई क्लच पैड ऑलरेडी तो सही है और फिलहाल आप सर्विसिंग की तो बात ठीक है, क्लच पैड है इसकी बिल्कुल सही है। तो मैकेनिक भाई कहते हैं यानी कि मैकेनिक भाई कहते हैं भाई इसकी क्लच पैड खराब है ऐसा वैसा। देखो बात यह है कि देखो मैकेनिक को पता रहता है यानी कि क्लच प्लेट कौन सी बाइक की खराब है कौन सी बाइक की सही है। ठीक है, यानी कि अब मैं आपको ये बताता हूँ यानी क्लच प्लेट जो खराब होती है हम कैसे पता लगा सकते हैं क्लच प्लेट खराब है या सही है। तो ठीक है फ्रेंड, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो शॉर्ट। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि अब मैं पहले ही पॉइंट पर आता हूँ यानी कि जैसे कि हम किसी भी मैकेनिक भाई की दुकान पे गए और उन्होंने चला के देखा। ठीक है, देखो चलाने में ही पता लग जाता है कि क्लच प्लेट कौन सी बाइक की सही है कौन सी बाइक की खराब है। देखो अगर हम किसी भी बाइक से ओवरटेक करते हैं यानी कि हम एक्सीलेटर तेज खींचते हैं और ओवरटेक करते हैं, ओवरटेक करने के टाइम अगर गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ ली है और इंजन ज्यादा ओवरटेक हो रहा है तो उस बाइक की क्लच प्लेटें खराब होती हैं। ठीक है फ्रेंड, ये बात राइट है बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि यानी कि जिस बाइक में सेल्फ नहीं होता है और सिर्फ ओनली किक होती है और उस बाइक को हम अगर स्टार्ट करते हैं यानी मैं आपको खराब होने की प्रॉब्लम बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि उस बाइक को हम स्टार्ट करते हैं तो बार बार किक स्लिप होती है। ठीक है, ये भी पहचान है क्लच पैड खराब होने की। ओके, और कुछ जो कस्टमर भाई होते हैं वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अब मकेनिक भाई ने कह दी मतलब मकेनिक भाई ने कहा कि क्लच पैड चेंज होनी है। ठीक है, अब क्लच पैड खोल रहे हैं। ठीक है, क्लच पैड खोलने के बाद भी कस्टमर भाई देखते हैं कि क्लच पैड सही है या खराब है। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, देखो जिस किसी बाइक की अगर क्लच प्लेट खराब होती है तो उस क्लच प्लेट को हम कैसे चेक करते हैं खोलने के बाद कि ये सही है या खराब है। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ कि ये है क्लच प्लेट यानी कि ये 50 पल्सर की क्लच प्लेट है ओल्ड मॉडल की, और ये देख रहा हूँ आप कि ये मसाला बैंड नहीं हुआ है इसमें, सब में यानी कि ये सब में मसाला होता है और ये जो होता है ये एल्युमिनियम होता है यानी कि सिल्वर होता है। ठीक, तो फ्रेंड ये जो मसाला जो हुआ यानी कि मसाला जो चिपका हुआ है इससे ये जो होता है ना ये जब प्लेट खराब होती है तो ये ना हार्ड हो जाता है बहुत हार्ड। ठीक है, अगर हम ये क्लच प्लेट खराब होने के बाद अगर टाइम पे चेंज नहीं करवाते हैं, अगर कोई मैकेनिक भाई आपसे कहता है आपकी बाइक की क्लच प्लेट खराब है तो आपको बदलवानी चाहिए तुरंत हाथों हाथ, क्योंकि फिर देखो जब वो बता रहा है बंदा इस क्लच प्लेट खराब है अगर आपने क्लच प्लेट चेंज नहीं करवाई तो नुकसान क्या होगा। ठीक है, मैं ये भी बताता हूँ आपको इस वीडियो में, जैसे कि जब क्लच प्लेट खराब होती है तो ये जो मसाला होता है ये हार्ड हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, जब ये मसाला हार्ड होता है तो ये फिर घिसता नहीं है, ये फिर रगड़ लगाता है यानी कि इतना हार्ड हो जाता है कि ये फिर लोहे को भी काटना शुरू कर देता है, और जहां पर ये क्लच प्लेट लगती है उसके पास में ही एक बाजू में ना यानी कि जैसे कि माना कि ये 5 प्लेट है। ठीक है ना, यानी कि क्लच प्लेट, ठीक है क्लच प्लेट है, और ये जो है ये 4 प्रेशर प्लेट है, ये जो है 4 प्रेशर प्लेट हैं, और जब ये फिट होती है तो एक के ऊपर एक यानी कि एक क्लच प्लेट एक प्रेशर प्लेट एक क्लच प्लेट एक प्रेशर प्लेट होती है। ठीक है, अब मैं इनको रखता हूं और ये 2 ही रोकता हूं। जैसे कि जब ये गाड़ी चलती है जब ये क्लच प्लेट जब हार्ड हो जाती है यानी कि हार्ड यानी कि खराब हो जाती है तो ये मसाला जो होता है हार्ड हो जाता है। ठीक है, जब ये इंजन में घूमते हैं तो ये जो मसाला है यानी कि क्लच प्लेट का जो मसाला है ये प्रेशर प्लेट पे इतनी तेजी से रगड़ लगाता है कि जो प्रेशर प्लेट का जो लोहा होता है ये भी घिस जाता है। ठीक है, यानी कि हमने अब ये चेंज नहीं कराई यानी कि जब क्लच प्लेट खराब हो रही है अब ये इसके लक्षण दिख रहे हैं क्लच प्लेट खराब होने के और हम इसको चेंज नहीं करा रहे हैं और गाड़ी हम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये होता है कि किस क्लच प्लेट के बाद फिर ये प्रेशर प्लेट खराब होती है यानी कि प्रेशर प्लेट फिर खराब हो जाती है यानी कि क्लच प्लेट देखो पहली बार तो क्लच प्लेट खराब हुई फिर ये प्रेशर प्लेट को भी खराब कर देती है। ठीक है, जब ये प्रेशर प्लेट भी खराब हो जाती है क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगता है यानी क्लच प्लेट खराब होने के बाद प्रेशर प्लेट खराब होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, तब तक पहले क्लच प्लेट खराब होगी फिर उसके बाद प्रेशर प्लेट खराब होगी फिर उसके बाद फ्रेंड नंबर आता है इन क्लच सेंटर हब का यानी कि क्लच सेंटर हब ये हुई और क्लच सेंटर प्लेट ये हुई। ठीक है, उसके बाद यानी जब आप क्लच प्लेट चेंज नहीं कराते हो क्लच प्लेट खराब हो चुकी है उसका मसाला जो है हार्ड हो चुका है और इतना हार्ड हो चुका है कि यानी कि प्रेशर प्लेट भी खराब कर दी है, प्रेशर प्लेट जब खराब होती है तो फ्रेंड खराब होते होते
ये सेंटर हब भी खराब हो जाती है। अब आप इस पे देखो कि इस पे कितना निशान आए हुए हैं, यानी कि देख रहा हूँ आपकी धारी काफी धारी पड़ा हुई है इस पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यानी आपकी बाइक की जब कभी भी अगर क्लच प्लेट खराब होती है तो आप क्लच प्लेट हाथों हाथ चेंज करवा दो, और कोई मैकेनिक भाई एडवाइस बता रहे हैं तो आप उनके कहना मानो, क्योंकि मैकेनिक को पता होता है कि कौन सी बाइक का क्या नुकसान होता है क्या नहीं होता है, यानी कौन सी बाइक की क्लच प्लेट खराब होने से। वैसे मैक्सिमम जो है किसी भी बाइक की अगर क्लच प्लेट खराब है और अगर चेंज नहीं करा तो साइड इफेक्ट यही होता है कि उस गाड़ी की क्लच प्लेट है, प्रेशर प्लेट है, क्लच सेंटर हब और सेंटर प्लेट ये खराब हो ही जाती है बहुत जल्दी। यानी कि अभी माना कि हाल फिलहाल में हमारी क्लच प्लेटों में शिकायत आई है किक स्लिपिंग की एंड ओवरटेक करते समय स्पीड नहीं आने की, यानी कि गाड़ी ओवर रेस हो रही है और स्पीड नहीं पकड़ ली है, तो फिर इस सिचुएशन में फ्रेंड आपको क्लच प्लेट चेंज करानी चाहिए। अगर आपने चेंज नहीं कराई तो आप फिर इन चारों आइटम को बदलवाओगे फिर कुछ ही समय में, यानी कि 15-20 दिन या फिर एक महीने के समथिंग। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ये बता रहा हूँ यानी कि क्लच प्लेट अगर खराब हो आपकी बाइक की तो आप हाथों हाथ चेंज करवा देना, अगर चेंज नहीं करवाया तो फिर आप ज्यादा खर्चा लगाओगे आप अपनी बाइक में। ठीक है फ्रेंड, मैंने आपको बता दिया यानी कि देखो शिकायत यही होती है, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यानी कि हम किसी भी बाइक से ओवरटेक करते हैं या फिर हम गाड़ी खाली रोड पे तेज स्पीड से भगा दें तो अपनी गाड़ी तेज स्पीड नहीं पकड़ती और इंजन ज्यादा साउंड करता है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि किक स्टार्ट नहीं होती है, किक बार बार स्लिप होती है, ये भी प्रॉब्लम। और गाड़ी बहुत गर्म यानी इंजन बहुत गर्म होता है बाइक का। ओके फ्रेंड, और क्लच प्लेट खुलने के बाद मैं ये बता रहा हूँ आपको यानी कि ये जो मसाला होता है ये आप नखून से देख सकते हो आप उस बाइक का, यानी कि जिस बाइक की क्लच प्लेट पड़ने वाली है, जिस बाइक की खराब हो चुकी है, तो जो खराब प्लेट होती है उसका जो मसाला होता है बहुत हार्ड हो जाता है, उसमें नखून भी नहीं गड़ता है। और प्लस जो नई प्लेट होती है आप उसका चेक करना, उसका मसाला जो होता है काफी सॉफ्ट होता है और उसमें नखून आराम से गड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप ध्यान रखना इस बात का, अगर आपकी बाइक की अगर क्लच प्लेट है खराब है तो आप टाइम पे चेंज करवा देना, अन्यथा नहीं तो फिर तगड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और फिर आपको परेशानी हो सकती है बात को। ठीक है फ्रेंड, यानी कि कुछ बंदों को मैकेनिकों पर विश्वास नहीं होता और ये बहुत गलत बात होती है, क्योंकि अब क्या होता है अलग अलग एक्टिविटी होती है सबकी फिलहाल। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलता है कि नए वीडियो के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी सारी बातें, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।